मैंने पोस्ट बनानी शुरू की। आलू लाया बॉयल, एक ऑयल बॉयल्ड आलू, और लाके इसमें मैंने मैश किया था कि बच्चे पीछे से आ गए और सारी पहले की टेप जो है उसको हंगामा मचा दिया। उनको वाटरमेलन चाहिए था, ज़्यादा वाटरमेलन चाहिए, तो वो पोस्ट थोड़ी सी शुरू की मेरी, मुझे डिलीट करनी पड़ी। मैं दोबारा बना रहा हूँ। आलू है और एक आलू बॉयल, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और डो बना लिया उसका, और एक अंडा, एक अंडा उसके अंदर मैंने ये डाला है। मैं इसको गूंथता हूँ, और गूंथने के बाद जब ये डो तैयार हो जाएगा तो हम इसके अंदर सैलेड डालेंगे। सैलेड में बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या ले रहा हूँ, आपका दिल करे तो ये लीजिए। सैलेड में कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक, और मैंने लाल मिर्ची की मेरी चटनी जो थी बनाई हुई, मैं दिखाता हूँ आपको हमेशा, वो मैंने इसमें डाली है थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब ये खीरा है जिसको मैंने कीस दिया है, ये जनाब सैलेड है जिसको कीस दिया है, तू काट दिया, और ये गाजर है, चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं टमाटर इस्तेमाल नहीं करूँगा, और उसमें थोड़ा सा नमक टपकाऊँगा और नींबू, नमक और नींबू टपकाऊँगा। नींबू मैंने टपका दिया, उसका बीज गिरा है मैं निकाल दूँ, उसका बीज गिर गया है नींबू का, वो निकाल दें, कभी कभी मुँह में आ जाता है कड़वा लगता है, उसको निकाल देना ही बेहतर है। तो ये मैंने इसको निकाल दिया, बीज को निकाल दिया। अब उसको हम मिक्स कर देंगे, और इसके हम जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं उस तरह बना के इसको तलेंगे, और फिर मज़े लेके खाएंगे। अभी और मैं सैलेड डालता हूँ इसमें ताकि मज़ा ज़्यादा आए। मेरा ख्याल है सैलेड में सारा जितना काटा है तमाम डाल दूँ, ताकि जितना सैलेड ज़्यादा होगा इतना खाने में मज़ा आएगा। मैंने सब डाल दिया, अगर मुझे इसमें मैदे की ज़रूरत पड़ी तो मैं मैदा में मिक्स कर दूँगा ताकि डो बन। तेल मैंने बहुत छोटे से बर्तन में गरम कर लिया, और इतना गरम हो गया मेरा बर्तन ही वो काला हो गया है। मैं उसकी मदद करता हूँ, कहता हूँ कि आपको अगर वो दिखे कि थोड़ा सा लाल हो गया, लाल ये हमारे बन गया जनाब। तो ये हमारे तैयार हो गए, और इस मैं ऑयल मैंने गरम कर लिया था, और अब ऑयल को मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। ये लेमन का छिलका और वो टमाटर मैंने यूज नहीं किया, आप चाहें टमाटर, इसमें थोड़ी सी मिर्ची और नमक है, नमक चख लीजिएगा, नमक की कमी हो तो उसको पूरा कर लीजिएगा। मैंने फ्राई पैन रख दिया है, और उसको जला दिया, उसको तेल डाल दूंगा मैं इसमें, जो तेल मैंने गरम किया था वही तेल इस तरफ में शिफ्ट कर दूं फ्राई पैन पे, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑयल फ्राई पैन में डाल दिया है, पहले मैं छोटे बर्तन में बनाने वाला था, मगर वो बर्तन ज्यादा लाल हो गया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने फ्राई पैन में डाल, और बर्तन में मैंने पानी डाल दिया ताकि वो आराम से भूल जाए। जब बर्तन इस तरह लाल वगैरह हो जाए तो उसको पानी में भिगो दें तो वो एकदम सही हो जाए। अब मैं आपको इसमें फ्राई करके दिखाता हूँ। यार मैं ग्लव पहन के काम कर रहा था, मुझसे ग्लव पहन के काम नहीं होते, मैं ग्लव को उतार देता हूँ ताकि मैं इजीली फील करूँ। आज क्योंकि खुद खाना होता है और घर वाले ने खाना होता है, हाथों को साफ सुथरा रखिए, और ग्लव्स के साथ या बगैर ग्लव्स के साथ पकाइए। अब मैंने हाथों पे पानी लगा लिया, इसकी रोटी भी बना लूंगा। इसमें आलू है और मैदा है थोड़ा, और मैं इसकी रेसिपी लिख दूंगा, और वेजिटेबल जो आपका दिल करे वो है, और थोड़ी सी लाल मिर्चें की चटनी यानी लाल मिर्चें हैं, और नमक, इन चीज़ों के साथ
मैंने इस पर कलौंजी लगानी थी, कलौंजी नहीं लगा था, बाद बच्चे मेरे कलौंजी नहीं खाते, बाद अफराद को ज़्यादा ज़ीरा पसंद नहीं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया और ये फ्राई हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑयल मैं हाथ धोलूँ, और इसको मैं अगर चाहूंगा तो फैला सकता हूँ इस तरह, इसको प्रेस करिए तो ये फैल जाएगा जितना आप फैलाना चाहें, क्योंकि मैंने फ्राई करने डाल दिया। और ये मेरा जो और इसको परोसने के लिए आप दो स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी इसमें आँच कम करना होगी और इसको बहुत धीमी आँच में पकाना होगा। मैंने आँच को अच्छे से रखी ली, मैं कलर कम कर। हर ऐसे खाना तो आप धीमी आँच में पकाइए। कितनी देर में ये तैयार होगा, चलिए एक मैं तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद ही बात करता हूँ। हम इसका सॉस बनाएंगे।